सभी गुरुजनों को राकेश चतुर्वेदी उत्तराखंड का सादर प्रणाम। हाय गाइस, आपका स्वागत आज के ब्लॉग पे। आज उत्तराखंड में और सुबह सुबह नहा धो लिया, पूजा कर ली है, तो 7:30 बज गए हैं। तो मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट बना दिया, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको अपनी पार्किंग पे ले जाते हैं। अरे दोनों मेरे दोनों शेर मेरे साथ हैं और ये आज का नाश्ता मम्मी जी ने बना दिया है। आज का नाश्ता मम्मी ने बनाया, देखें, रोटी चटनी, भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी मूली और चाय। तो आज इसको अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे, आपको अपनी पार्किंग पे ले जाते हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये देखें नीचे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी गौशाला से। ये हमारी गौशाला के बगल में ये मसूर लगी हुई है और उसके बाद मसूर के बाद हम ऊपर आते हैं और ये देखें ये है हमारा धनिया और मूली। ये मूली के बीज हैं जो सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, ये बीज के लिए मूली तैयार हो रही है। तो ये बीज तैयार हो जाएगा अगले साल के लिए मूली का। और ये धनिया, ये धनिया आगे बड़ा हो जाएगा तो इसको भी ऊपर निकालेंगे, कुछ खाने के काम आ रहा है आजकल, सब्जी में तड़का मार रहे हैं। और फिर ये धनिया बड़ा हो जाएगा तो इसके बीज निकल के ये धनिया अपना तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखें हमारे मटर, ये हमारी मटर की खेती है, ये दिखाता हूँ आपको, ये मटर लगे हुए हैं, ये देखें, ये होते हैं मटर, ये देख रहे होंगे, ये मटर की खेती है पूरी, ये हमने मटर ही मटर लगा रखे हैं पूरे खेतों में। तो ये देखें, ये हमारी भाभी आज मटर तोड़ रही है दिल्ली ले जाने के लिए, देखते थोड़े से ले जाते हैं। ये मटर है, ये देखें मटर की वेल है जो ऊपर जानी थी, पर ये यहाँ पे अभी लगाए नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो इसको लगाएंगे आगे। और ये हमारी मामी जी, ये देखें ये मटर टूट रहे हैं और ये पूरे खेत में मटर ही मटर हैं। और ये ठीक नीचे हमारी बड़ी भाभी और ये हमारी मम्मी, ये हमारी मम्मी गांव आ चुकी है और मम्मी ने अपनी ड्रेस बना ली है यहाँ पे। और ये हमारी भाभी निकाल रही है, ये देखें आलू बहुत छोटे हैं, पर ये देखें ये आलू हो रहे हैं, माताजी आलू निकाल रही हैं। और अभी आलू यहाँ निकाले थे तो ये लेट हो गए, तो उन्होंने बाजार भेज दिए हैं ये मार्केट में बेचने के लिए। तो यहाँ पे आलू 25-30 रुपए किलो रखे हैं ये वाले, वैसे 10 रुपए किलो मार्केट में, पर ये वाले आलू 25-30 रुपए केजी हैं। और ये नीचे धनिया, ये हमारा पानी का टैंक। और ये देखें नीचे दिखाता हूँ आपको, ये नीचे हमारी प्याज लहसुन गोभी ये नीचे हो रखी है। और ये हमारा पॉली हाउस जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ। और ये हमारी फार्मिंग पे हमारी मामी भाभी लोग काम कर रहे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ नीचे प्याज और लहसुन ये पौधे लगाए थे, ये पौधे बड़े हो चुके हैं अब, ये नारंगी माल्टा के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखें ये धनिया, धनिया पे फूल आ गए हैं, ये धनिया तैयार हो रहा है। ये नीचे मटर, साइड साइड में मटर लगा रखे हैं, धनिया और नीचे लहसुन, ये देखें ये मटर अभी लग रहे हैं, अभी टाइम लगेगा इनको बनने में भी, एक आध महीना है। ये देखें ये मटर अब ऊपर के लिए जा रहे हैं, ये देखें मटर की बेल होती है, अगले साल तक ये आगे इनको उस पर लगा देंगे, ये जैसे इन्होंने लगा रखे हैं, तो दिखाता हूँ आपको। और ये मसूर, ये है मसूर जो मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको, ये होती है मसूर। और ये दिखाता हूँ आपको, और ये अभी यहाँ पे टैंक के साथ में भी पूरी मसूर डाल रखी है। और ये अभी ये वाला पैच जो देख रहे हो आप, ये पैच अभी जला दिया है घास वगैरह, तो इस पैच को अभी चालू करेंगे। और ये मसूर
और ये देखें, यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको अपने मटर कैसे हो रहे हैं। ये देखें, ये है मटर, ये भी तैयार हो रहे हैं। तो इसे ऐसे जाते हैं बेल, ये बेल अभी ऊपर को जाएगी और ये मटर हो रहे हैं। और ये हमारी मम्मी जी अपने फार्मिंग का जायजा लेते हुए, और माँ बहुत खुश है इस बार, क्योंकि इस बार कुछ दिख रहा है तो मम्मी भी खुश है। ये तो मम्मी गालियाँ ही देती रहती थी मुझे। तो ये आया हम नीचे वाले खेत में, तो इसमें लगा हुआ है लहसुन और धनिया, और ये नीचे प्याज, और ये पौधे दिख रहे होंगे आपको, ये पौधे लगा रखे हैं, ये पौधे भी बड़े होंगे। मैं नीचे अपने घर के नीचे आ गया हूँ। ये गन्ने भी लगाए थे, तो ये गन्ने के गन्ने भी होने लग गए हैं। और ये ठीक साइड साइड में खेत के नीचे गोभी लगा रखी है, और ये है धनिया, ये गोभी साइड साइड पे। तो मैंने कहा एक बार आपको अपनी फार्मिंग भी दिखाता हूँ। और ये है नीचे प्याज, ये पॉली हाउस के अंदर भी पौध लगा रखी हैं। पॉली हाउस बंद है, चाबी में ऊपर ही छोड़ा है, तो ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो ये प्याज, और ये यहाँ पे मसूर नीचे, और ये ठीक नीचे वाले खेतों में भी धनिया प्याज लगा रखा है, प्याज भरपूर मात्रा में। इस बार दिखाता हूँ आपको, ये खेतों के आगे वाले खेत हमने भी छोड़ रखे थे, तो ये पैच हमारा तैयार होने जा रहा है। ये देखें, ये पूरे का पूरा यहाँ घास काट के, झाड़ियाँ काट के खेत तैयार हो चुके हैं। और अब हम इस तार बाड़ को यहाँ से खोल के आगे की तरफ ले जाएंगे। और ये देखें, ये पूरे के पूरे खेत अभी खाली हैं। तो आई होप आपको आने वाले टाइम पे ये सारे खेत हरे भरे दिखेंगे, और फिर अपनी ग्राम सभा श्योली, और अपने ऊपर गांव हमारा हलाई है, तो वैसे हम ग्राम सभा श्योली में आते हैं, पर अब हमारा ग्राम सभा हमारी हलाई भी होने वाली है। हम श्योली और हलाई ग्राम सभा को एक करेंगे, और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि सब दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। और ये देखें, अभी यहाँ पे हमारी गौशाला बनाने के चक्कर में है, ऊपर गौशाला के लिए तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे फिर डेयरी फार्मिंग भी चालू करेंगे। तो अभी भाई लोगों से बातचीत करनी है, और फिर अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे, मेरा बड़ा शौक है। तो ये देखें, ये ठीक ऊपर हमारी मम्मी, ये इतनी ऊपर है, मैं इतने नीचे आ चुका हूँ, और ये नीचे से लेकर यहाँ से लेकर और ऊपर तक पूरी की पूरी फार्मिंग हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। और इसको हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा के इसको आप लोगों को फिर दोबारा दिखाते रहेंगे। तो अब चलते हैं ऊपर, और ये देखें प्याज ऐसे हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे देखें तितलियाँ भी घूम रही हैं, बहुत ही सुंदर। ये चीज़ें प्रकृति की देन है, ये तितलियाँ वगैरह। ये देखिए, चलें अब ऊपर चलते हैं। और ये मसूर पक गई है, सो गाइस पूरी आपको फार्मिंग दिखा दी है। तो अब चलते हैं दिल्ली की तरफ, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है, तो अब दिल्ली चलते हैं, और काम भी देखना है दिल्ली जाके। तो आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड मेरा ड्रीम प्लेस है, मेरा ड्रीम है। मैंने उत्तराखंड में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट फार्मिंग अपने काम के साथ करता रहता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर कर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।